बोला कि डर कौन चलाएगा जैसे सोचा हुआ। दूसरे ने कहा कि हम भी नहीं था, हमको भी नहीं दौड़ो। एक ने सुझाव रखा, भाई चलो चार फर गिरा थे, एक एक फर जहाँ ठीक हो ठीक है, तीन सो जाओ, एक डांड चला रहे थे, एक डांड पकड़ दिया, चलाने लगाओ, अब तीन सो के गहरी नहीं, एक पहर रात डालने पर दूसरे को जगाया डांड और चलाने लगा, अपने सो गया, आधी रात के बाद तीसरे को जगाया अपने सो गया, एक पहर रात बचते चौथे को जगाया खुद सो गया, चौथा डांड चलाते चलाते देखा पाव फटा, सूरज भगवान भुवन भास्कर प्राचीन क्षितिज पर आ गए, प्रकाश फैला तो साफ दिखाई पड़ा कि मैया वही है जहाँ हम लोग बैठे थे, दशा समीर घाट है। जिसने डांड पकड़ा था उस पर गुस्सा में एक घूसा लगाया और कहा कि तुमने डांड पकड़ा दिया, तू नहीं चलाया तो मैया तो खटवे पर ही है। वो भी उठा आंख मलते और दूसरे को मारे घुसा जिसने डांड पकड़ाया था, अरे तुम नहीं चलाया हम तो चलाए थे एक बार, वही उठा आंख मार के चौथे को मारा, आपस में खुशम खुशी फुकम फजाती गाली गलत शुरू हो गया। मला हाया बाबू जी हम गरीब के तो नैया ही सहारा है ना, जरा नैया छोड़ दो, हम जाना चाहते उस पार हमारे जाते रामनगर जाना जाते हैं। एक ने कहा क्या कर दिया तुमने नाव में, नाव तो रात भर डांट चार चलाते थे, एक दिन बढ़ी नहीं क्या हो गया। मल्लाह ने कहा हाँ नहीं तो आप लोग कुछ नहीं किए, हमने हम तो चारों चारों रात भर डांट चलाते क्या करते, अरे डांड न चलाते रहे हुजूर, अगर नाव जो रस्सी में बंधी खूटी खूटी से रस्सी निकाले थे क्या, ना रात भर जीवन डांड चलाओ रस्सी बंधी है खूटी में, नाव की तो नाव आगे नहीं जाएगी, दो खूटी है ना दोनों छोर बंधा है, दो रस्सी है ना, ये शरीर नाव है, एक खूटी है जड़ और एक है चेतन। जड़ कौन है, रुपया पैसा पासबुक मोबाइल खेत खलियान जहाँ एक खूटी है उसमें मन को बांध दिया, और एक है पत्नी पुत्र भाई बंधु पति और सारे परिवार, उस खूटी में बुद्धि को बांध दिया, दोनों रस्से दोनों छोर को बंधा है और डांड चला रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नहा रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, गौ दान करते हैं, सोना दान करते हैं, अस्सी करते हैं, छठ करते हैं, हट करते हैं, सब करते हैं, देख खुटिया में से रसिया तो निकालते हैं, तो नैया यही रहेगी जहाँ पर हो, बेलसार में जन्म चाहे हर जगत में कोनी मिला जैसे होली पे ही है कि जब जन्म लो मारो, कैसे की जैसी दिल्ली से चलते है गाड़ी तो हवड़ा पहुंचती, हवड़ा के आगे नहीं जाती हवड़ा का गबड़ा लाइने में है तो लौट जाती है, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, बस ले जाती है नीचे पकड़ के जबराज की दिल्ली, ध्यान दो यही जिनकी गाड़ी है, कौन कौन स्टेशन जिनकी गाड़ी ठहरती है जाओ ध्यान देना, पहले दिन का नाम है बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, वहां से गाड़ी खोल लेते हो हॉल्ट है जिस पर है लड़का या लड़की, तीसरा स्टेशन मिलता है बड़का चाहे बड़की, चौथा स्टेशन मिल गया वहां पर बर चाहे दुल्हीन, बर या दुल्हीन, चौथा पांचवा स्टेशन पर हो गया पति और पत्नी, पांचवा स्टेशन आ गया फिर माता और पिता, बाप और माई, और छठा स्टेशन मिल गया फिर बाबा का आगे स्टेशन, ना बाबा का घबरा फिर लौट गई, फिर बाबा मर गए बाबा का स्टेशन, ना बा हबड़ा से घबरा लाइन नहीं है, दिल्ली दिल्ली से हबड़ा, हबड़ा से दिल्ली की गाड़ी चलेगी, सारे संसार के ही जिंदगी के दौड़ है, जिंदगी गाड़ी दौड़ रही है स्टेशन उठाती है और लौट जाती है, कब से कोई फिक्र नहीं है, हाँ आकर चार लक्ष चौरासी योनि भ्रमत यह दुराया दुआसी, फिर सदा कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब से जन्म हो रहा कोई ठिकाना नहीं, जिंदगी भर डांड चलाओगे लेकिन रस्सी नहीं निकलेगी खूटी से तब तक नाव आगे नहीं जाएगी, रस्सी निकाल दो वही डांड चलाओ तो धारा नीचे तो जाएगी ऊपर न जाए, नीचे तो जाएगी ना नाव बह जाएगी, यही तो दुर्दशा है। भागवत कहता है मृदे हम आदम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कलभारम मैं आज कूड़न भस्म तेरी तुम पुमन भवा दिल कल सया
हुसैन की बात करते लिखते हैं कि नरतन भाव बारी रखहु फेरो तन मुख मारु शरण ग्रह मेरा शरण धार सतगुरु निहनावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा जो न कर भव सागर नर समाज यत पाई सोच कर लगन नमती आत्मा हम गति जाई वहां हत्या रहे जो मनुष्य ही पाकर के संसार में ही पूरा जीवन बिता दिया संसार के ऊपर जाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि बताए थे ना कुत्ता भी ऐसा नहीं जिसका वंश नहीं हो कुत्ते की ही पत्नी है पुत्र है बाल बच्चे हैं राशन का नहीं मांगता है जीता खाता वो भी बाल बच्चा पैदा करना घर बनाकर लाना चूहा भी जानता है बढ़िया घर बनाता है बिना सीमेंट बिना गिट्टी की बिना छड़के बिना कारीगर से बिना जमीन पड़े वही बनाता है बाल बच्चा पोसता है मकान में घर में अनाज भर कुछ चूहा भी रखता है यही मानव जीवन की सफलता नहीं है शास्त्र कहता है अनुभव बताता है कि जब जन्म मरण पर ब्रेक लग जाए पुनर्जन्म पर सदा के लिए विराम लगा दे पूर्ण विराम दे दे वही मानव धन्य है आए कब लगेगा पहले दिन बताए थे सच चित आनंद को जान लेने के बाद और आज क्या बता रहे हैं आज बता रहे दूसरी बात है उसी के सहयोगी दूसरी बात है कि जब आपका मन आपकी बुद्धि का धागा जड़ में और चेतन में डला गया माने जड़ माने रुपया पैसा धन दौलत ये जड़ है एक खुटी वो है जिसमें आपका मन आपकी बुद्धि का धागा बन रहा है और चेतन है पाते खुटी क्यों जान रहे हो एक नंबर का माल संसार में बाइबल जो मिला था वह पति नहीं पत्नी नहीं एक नंबर का माल था शरीर ओनली वन ए बॉडी केवल शरीर न पैंट ना शरीर था नंगा चाहे राजा घर पैदा लो या गरीब घर लो देहात लो या शहर में लो इंग्लैंड हाईलैंड पोलैंड आस्ट्रेलिया अफ्रीका ही देख लोगे लेकिन शरीर नंगा न पैंट नहीं नंगा एक नंबर का माल दो नंबर कमाल पति चाहे पत्नी दो नंबर कमाल क्योंकि बड़े हुए पड़े खड़े हुए पत्नी मिलता है पत्नी दो नंबर कमाल पति पत्नी और तीन नंबर कमाल बेटा जिसका नाम है बेटा चाहे बेटी नकली नोट से बड़े बेटी तीन नंबर कमाल और चार नंबर के माल का नाम है पुतो बेटा आएगा तब ना पुतो के राशन का भी मिल जाए पहले ही बेटा का पुतो वो करेगी जो चार नंबर है ना और पांच नंबर के माल है पोता जिसके लिए बूढ़ा बाबा है जब एक नंबर विचार कर दे एक नंबर का शरीर भी छूट गया बाबा के शरीर को जला दिए बाप के शरीर को जलाए माई के शरीर को खाक मिलाए तब तुम्हारा शरीर का आचार न देगा ये बेकार हो जाएगा आचार लगा लेते तब महक जाएगा महक जैसे अच्छा पहले के लहक जाएगा हाँ सड़ जाएगा महक जाएगा एक नंबर का माल भी तुम्हारा सड़ने वाला लहकने वाला है तो दो नंबर के पति पत्नी तीन नंबर का बेटा चार नंबर के पोतो पांच नंबर पोता तुम्हारा अपना होगा यही तो समझना है समझना नहीं है जीवन में समय को उतारना है खाली दूध में बहुत बढ़िया कैलोरी समझ रहे दूध पीना होगा पी कर पचाना होगा तब अपने को बचाना होगा समझो क्यों नहीं कहो क्यों नहीं रहो इसी में इसी को जीवन में उतार लो जब तक जीवन उतरेगा नहीं तब तक क्या अवसाद ग्लानि पीड़ा दर्द परेशानी दूर नहीं होगी और सबसे पहले रस्सी को निकाल दो कूटी से अलग कर लो और तब डांड चलाओ लगी मारो नाव पर चलेगी कहाँ पार करना है भवसागर माने जन्म पे किनारा हो चुका जन्म किनारा से नाव खुल गई मनुष्य तरी अब उस किनारा मौत के किनारा लगा देना है ऐसे किनारा लगेगा बस यही रस्सी निकाल दो फिर डांड चला चलाओ कर्ण धार सदगुरु सदगुरु खेलेंगे और इस नाव को धीरे धीरे उनकी सहारा उस पार लगा दो फिर नाव भी छोड़ दो शरीर नाव भी छोड़ दो इसमें बैठे मत रहो इसकी भी ममता नहीं रहनी चाहिए मरण आसन यदि व्यक्ति इस तरह से खुटी से जड़ और चेतन से मन और बुद्धि की रस्सी को निकाल ले तो साईं जी कहते हैं सब का ममता ताग बटोरी अब मम पग बांध प्रीति बटी जोड़ी यही ममता का धागा है ये रस्सी संत सुतरी की नहीं है सुता की नहीं है ये ममता तुम्हारे मन के भाव है
मन के भाव केवल है, इसी भाव को पलट दो, संसार की वस्तु व्यक्ति को मत लगने दो। कहते ना सत चित आनंद, सत की ओर मत जाने दो, मन के भाव को बुद्धि के भाव को आनंद की ओर जाने दो। बस काम बन गया, इधर लगा अगर के उधर लगा दो, काम बन गया। सब कहे ममता था बटोरी, अम्मा मप्पा दबे मकरी की बाटी, फिर से बांधू मीरा की तरह भारत जहाँ भी अमृत घूम जाएगा, लेकिन मीरा की तरह रहना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई ऐसा होना होगा, एक परमात्मा की सेवा तेरे मन में तेरी बुद्धि में दूसरा नहीं रह जाए। परिणाम सुखद होगा, शांति प्रदान करेगा और अंत में शांति पर भ्रांति पर अशांति पर विजय मिलेगी और परम शांति प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, जिसे प्राप्त होने के बाद दुख के हाथ थोड़ा से थोड़ने पर भी तुम्हारे मन में पिलानी नहीं, धर्म नहीं, पीड़ा कभी नहीं हो सकेगी। परीक्षित कहते हैं महाराज बता तो दिया आपने, ऐसा किसी ने किया है कि नहीं राह मुझे बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते ऐसा किया था तब युग में खटवांग नाम के राजा ने, खटवांग नाम के राजा ने अपनी बहादुरी से वीरता से साहस और उत्साह से तमाम राजाओं को धूल चटाया, युद्ध के मैदान में सबको अपने भस्म कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, विश्व में नहीं स्वर्ग तक उनकी कीर्ति का पताका फहरा रहा था। एक बार इंद्र ने अपने आचार्य बृहस्पति से पूछा, महाराज हम तो असुरों से लड़ते हैं विजयी हो जाते हैं, यह लड़ाई पता नहीं कब से चल रही है, कभी विजयी होते कभी पराजित हो जाते हैं, सदा विजय बनी रह जाए पराजय कभी ना हो, या हो जाए तो बड़ा अच्छा है, ऐसा कुछ उपाय है? कहा कि ये सदा दिन नहीं रहेगा रात भी होगी ही, प्रकृति जब तक है जब तक आप हो जब तक आगे आने वाले फिर तब तक के दिन भी और रात भी दोनों देखना पड़ेगा, सुख भी और दुख भी देखना पड़ेगा, ऐसे जय और पराजय भी देखना पड़ेगा। सदा विजयी कोई न रहा है न सकेगा, प्रकृति का नियम नहीं है, विजयी भी पराजित होगा पराजित विजयी होगा। इसलिए हाँ एक बात मैं बताता हूँ, बृहस्पति ने कहा कि धरती के खटवांग नाम का राजा एक है, बड़ा संजीवी बड़ा दिलेर बड़ा साहसी, उसने अपने साथ बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया है, राज्य का विस्तार किया है, अगर उसकी सहायता से आपको विजय मिलेगी तो और विजय की अपेक्षा टिकाऊ होगी, कुछ ज्यादा देर चाहिए, बस यही हो सकता है, सदा विजय बने रह जाए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बुद्धिमान राजा इंद्र ने खटवांग के पास अपना रूप बदल करके पहुंच गया। खटवांग की घोषणा थी, मेरे तानव्य अभ्यर्थी मांग पेश करेगा, मैं उसकी मांग पूरी करूंगा, कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा, यह घोषणा थी। इंद्र बड़ा प्रभावित हुआ और ब्राह्मण बन करके अभ्यर्थियों के बीच मांग करने वाले के बीच में खड़ा हुआ। एक मनोविज्ञान की बात है, साइकोलॉजी बताती है कि जिससे कुछ आपको मांगना हो ना उसका गुणगान करो, उसकी प्रशंसा करो तो क्या होगा, बड़ा लाभ होगा। अगर सच्ची बात कह दो या कुछ निंदा कर दो तो मिलने का सचोट डंडा मारना शुरू कर देगा, संसार यही चाहता है, दुनिया यही चाहती है कि हमारी प्रशंसा लोग करें, तो नहीं चाहते भी कुछ कुछ दे देगा, भिखमंगा ये जानता है, इसलिए भिखमंगा चलाता है, बाबू के दरबार पर गाड़ी गड़गड़ाई करे हाथी चिघाड़ी करे घोड़ा हिल जाए, अरे घोड़ा हाथी कुछ ही नहीं, गली में घर वर रिक्शो न जाए तो बाबू की गड़ रहा है हाथी घोड़ा कहाँ से, लेकिन झूठे झूठे कहता क्रिश्चियन सवार भी पाई जाता है। सच्ची बात कह दे कि जैसे पूछ तीन तरफ से एक ही तरह खपड़ा है और ऐसे ने बाबू का घर बना रहे तो बिना पिटाई में गुजूर नहीं, सच कहे तो मारे जाए झूठ कहे तो जब बढ़िया, सच्ची बात करें झूठी बात करें तो सब कुछ भी रंगा फिकान देता है। तो इसी मनोविज्ञान के सच्चाई को ध्यान में रखकर इंद्र ने बड़ी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की और प्रशंसा सुन करके राजा खटवांग भी बोले, महाराज इसी प्रशंसा का उद्देश्य क्या है, बोलिए तो जो मांगना है मांग लीजिए दूंगा मैं। इंद्र ने कहा, महाराज हमें आपकी सहायता चाहिए। खटवांग ने कहा कि मैं सहायता आप क्या करूं, धन की आवश्यकता है तो धन दे सकता हूं, बोलिए आपको आवश्यकता किस चीज की है। इंद्र ने कहा कि मुझे युद्ध में सहायता दीजिए। बड़ा बुद्धिमान खटवांग ने कहा, मैं आज ब्राह्मण हूं ना, ब्राह्मण को ऐसा युद्ध कभी जीवन हो ही नहीं सकता कि भाला तलवार बर्छी धनुष बाण की आवश्यकता पड़े, ब्राह्मण की लड़ाई तो भीतर होती है, कहां भीतर, घर में नहीं अपने शरीर में अपनी आत्मा में,
काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सरी से, ये जो मनोविकार है, इसी से लड़ाई ब्राह्मण की होती है। वही ब्राह्मण है जो अपने भीतर के विकारों से लड़ रहा है। और हाँ, संघ नियम अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि बच्चों के द्वारा, संघों के द्वारा काम को, लोभ को मार करके, सदा निर्मल मन को बना करके भगवान को प्राप्त करता है। तो हम आपको तलवार भाला पक्षी समझ क्या करेंगे आप ब्राह्मण हो ना। इंद्र ने कहा महाराज ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी हो, चार चीज में यदि मन बुद्धि लगे हैं तो निश्चय उसको लड़ाई बाहर भी हो जाएगी, बाधा का नशा भी दिखाना पड़ेगा। वो चार चीज क्या है महाराज? इंद्र ने कहा कि चार चीजें यदि पद कोई चाहता है तो पद की लड़ाई होगी, और बाहर से भी लाठी भाड़ा बंदूक शिक्षण लेना पड़ेगा, और पैसा, पैसा यदि आपको कहीं तो लड़ाई हो करेगी, छूटेगी नहीं, और प्रतिष्ठा, अगर प्रतिष्ठा भी आप चाहते हैं तो लड़ाई होकर रहेगी, भाड़ा का असर चमकेगा, और क्या परिवार, अगर परिवार को पाना चाहते तो वहां भी लड़ाई होकर रहेगी, बेटा के विवाह में तिलक के लिए झगड़ा, बेटी के लिए झगड़ा, दादी के लिए तो पैसे के लिए, परिवार के लिए, तो चार चीज की जिसके पास पैसे है मन में उसे बाहर भी लड़ाई होगी, उसे बंदूक राइफल खोजना पड़ेगा। इंद्र ने कहा कि मैं इंद्र हूँ, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, परिवार भी है और सब कुछ है, तो लड़ाई क्यों होगी? अब मैं समझ गया। हटवांग ने कहा जब आपको पद है तो पद पे लड़ाई तो कोई नहीं रहेगा, करनी पड़ेगी बाहर से भी। ब्राह्मण पद के भूखे नहीं होते, सच्चे ब्राह्मण पद से अलग रहते हैं, प्रतिष्ठा से अलग रहते हैं, इनके मन को ये चंचल करने वाली चीजें हैं। बोला कहा मदद करेंगे आपको, इंद्र कहा मदद करेंगे नहीं, आप मन से तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अभी हमको लड़ाई करनी है। वचन दे चुके थे खटवांग के लिए मदद करेंगे, सोच हो गए। खटवांग को लेके इंद्र स्वर्ग में आए, खटवांग की सहायता प्राप्त ने घोषणा करके ललकार के दैत्यों को, दैत्य जो अभी भी विजय हो चुके थे, विजय दैत्यों को ललकार बर्दाश्त नहीं हुई, और युद्ध के मैदान में डट गए दैत्य हथियार लेकर। देवासु संग्राम भयंकर हो गया, सुंदरी का ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन महाराज खटवांग के लड़ने की कला, उत्साह और साहस ने चमत्कार कर दिया। अंत में दैत्यों का पैर उखड़ गया, युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए और इंद्र विजयी हो गए। देवताओं के लिए पताका लहराने लगा, सब असुर भाग खड़े हुए जो अभी पहले विजयी हुए थे। फिर खुशी में देवताओं ने महाराज खटवांग को राज को बैठावा और उत्सव मनाने लगे, विजय उल्लास में आयोजन हो गया, उत्सव चल रहा है। बुद्धिमान खटवांग ने कहा महाराज यह उत्सव कब तक चलेगा? ड्यू डेट निश्चित नहीं रहा है, समय निर्धारित नहीं रहे, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, शरीर में जीवन कब तक रहेगा या तो निर्धारित है ना, जीवन निर्धारित है ना, तो हमारे शरीर में आत्मा कब तक रहेगी, जीव कब तक रहेगा? जीवन क्या हमारे में ना, जीवन शब्द को देखो आप ध्यान से सुनो, जीवन में तीन अक्षर हैं जी, जद रिकार जीव अन्न है, तो तीन अक्षर, एक खंड का दो है, दो खंड कैसे होता है, जीव धन न जीवन, एक खंड में जीव है और दूसरा खंड में न है। न कौन है? जिसको आप देखते हो, सुनते हो, छूते हो, शरीर न है। क्यों न इसको कहा जाता है? इसलिए कि आप 50 वर्ष के हो ना, तो 52 वर्ष इसका पता नहीं था कहाँ था, अब 52 वर्ष और जी जाओ, 100 वर्ष के बाद छोड़ो शरीर तो कहाँ जाएगा, या तो राख बनेगा जला देने के बाद, या जीवन में गाड़ने पर दीमक लग जाएगी, या तो वह कुत्ता खा के खाएगा, चौथी गति शरीर की नहीं होनी, चाहे गोर शरीर हो या काला हो, धनी का हो या गरीब का हो, राजा का हो या दरिद्र का हो, ये तीन गति शरीर की होने वाली, यही न है, क्योंकि न था न रहेगा, इसलिए शरीर का नाम न है। और जीव कौन है? जो भीतर बैठा है, जो आँख को दिखा रहा है, कान को सुना रहा है, जीव कुछ खा रहा है और हाथ पाँव को हिला डोला बुला रहा है, वही जीव है। इसी जीव के दो अर्थ हैं जी, जीव गतल धातु से बनता है जीव, और जीव प्राण धारण से बनता है, प्राण शक्ति को धारण करने की क्षमता वाला तत्व जीव है। जीव गति अर्थ में ही लेकर के रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रपति ने परशुराम की प्रतीक्षा किताब लिखी है, उसे पढ़ लेना, चंद पंक्तियां इसी गति अर्थ जीव को लेकर लिख दिया है। क्या लिखा? जीवन गति है, जीवन गति है, वह निरंतर चलता है, पहला प्रमाण पाव का वह चलता है, शिखरा नियोजन धन चलता है, जीवन दर दर
जल रही धारा आदित्य रोग के राज जरूरी जीवन अपनी ज्वाला से आप कमित है अपनी तरह से आप समझ मिलते हैं तुम पूछा ज्योति के लिए कहा जाओगे आज यहाँ आलोक को भी पाओगे पर श्राम के प्रति चरा महल चिंतन कर जीव गति और गति ये हाथ पांव हाथ के हिल रहे हैं और जीव गति सीली सीली संगति हो गया गाड़ी नहीं चलती है चलने वाला बैल का हिलता बैला चलता है तो गड़ियों चलने लग जाती है तो गति देना जीव का काम है और जो शरीर है वो न है जीव धन न जीवन इसीलिए मगही लोग कहता है भाई जीव है तो जहान है जहान करने दुनिया शरीर में जीव है तो जहान है अगर जीव निकल कर शरीर चला गया तो फिर क्या होगा सब लोग कहते दसो बजे मर दो तू बूढ़ो रख लो ही हो तो बिगो न हो न हो कोठी तो हमारे साथ पास ले जाए कोठी से नया पार्टी बना दो मास की कोठी बन जाए उस पार्टी आसन लग जाए और उनका टांग को लग जाए घाट खोल और जय जय सीता हम जला के खोल दो यही तो जीव न है तब न है ना न रहेगा न था न रहेगा बीच में जीव के चलते हो बना हुआ न भी हो बना हुआ शरीर भी हो है कितनो प्यारी पत्नी हो कितनो प्यारा पति हो कितनो प्यारा पुत्र हो कोई इसको नहीं कहेगा रहने के लिए इसकी भी आगे करूंगा यही जीवन है और इसी जीवन में न को महत्व जो दे रहा वो जीव है वो चेतन है उसे भी जानो इसी का नाम है अध्यात्म केवल शरीर को जाना तो कुछ नहीं जाना एक बटे दो जाना असल तो जीव को जानना भी है और न को भी जानो न को भी छोड़ो मत इसको भी जान जा कि नाशवान है इसे त्याग करो इसका त्याग करो और जीव को अपना लो विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसका जो होता है उसी को प्राप्त होता है बताए थे ना न्यूटन की थ्योरी के बारे में फेरा धरती का है इसलिए धरती पर गिरता है शांत होता है लेकिन जल धरती का नहीं वो सागर में जा रहा है बह रहा है आग आग नहीं है धरती की आग नहीं है सागर की आग है सूर्य के सूर्य चोट ज्वाला जा रही है लेकिन यह शरीर जो है धरती का है धरती में हो रहा है आत्मा आत्मा धरती की नहीं है सागर की नहीं है आत्मा सूर्य की भी नहीं आत्मा परमात्मा की है गोसाई बाबा ने वैज्ञानिक सत्य को पंक्तियों में लिखाओ क्या लिखाओ सरिता जल जल निधि में हो जाए आत्मा पत्नी को पाकर नहीं तृप्त होगा आत्मा के तृप्ति के लिए पत्नी नहीं पुत्र नहीं पैसा नहीं पद नहीं प्रतिष्ठा नहीं परिवार नहीं आत्मा की तृप्ति के लिए परमात्मा मिलना चाहिए क्यों क्योंकि परमात्मा की आत्मा है साल भर का बच्चा माँ से बिछड़ गया पुलिस वाले को हाथ लग गया पुलिस वाले लोग मिठाई खिलाते हैं पैसा देते हैं झुंझुना देते हैं नहीं नहीं चुप रहा तब चुप होगा जिसका है उसको मिल जाए माँ की गोद में आएगा तो तुरंत चुप हो जाए क्योंकि माँ का है ना ऐसे आत्मा किसकी आत्मा परमात्मा की है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुतराशी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराजा खटवांग ने जब पूछा कि हमारे शरीर में जीव कब तक रहेगा क्योंकि न शरीर को तो छोड़ने वाला है ये तो मिल गया है इसका क्या करना है देवताओं को कुछ आरक्षित कोटा है तो क्या आप इसी के बारे में देवता ध्यान लगाकर कह सकते हैं देवता में आप में क्या फर्क है भी जान लो देवता में आप में क्या फर्क होता है फर्क है देवता पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होते हैं धरती पर आएंगे तो आकाश पर खड़े रह सकते हैं देवता आप खड़े नहीं रह सकते बिना आधार के देवता आकाश में निश्चित रह सकते हैं क्योंकि उनका स्थूल शरीर नहीं होता है मैग्नेटिक पावर धरती की चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर नहीं खींच सकता फिर दूसरी पहचान उनके शरीर का प्रतिबिंब नहीं होता छाया नहीं परछाई नहीं होती आप कहीं भी जाओगे परछाई होगी छाया होगी प्रतिबिंब होगा दूसरी पहचान तीसरी पहचान उनका आंख में देखना देवताओं के आंख का पलक गिरता नहीं है आंख का पलक कभी गिरता एक तक देख सकते हैं लगातार त्राटक लगा सकते हैं और पहचान उनके गले में फूल की जो माला है उसका फूल कभी मुरझाता नहीं फूल को मिलाता नहीं मुरझाता ताजा बना रह जाता है समझ लेना ये देवता है
मनुष्य चाहे कितना धनवान बलवान गुणवान हो लेकिन फूल मुरझा जाएंगे, आंख के फर्क गिरेंगे, परछाई होगी और धरती पर खड़ा रहेगा, आकाश में निराधार खड़ा नहीं रह सकता। ये पहचान है तो देवताओं के ही पहचान के साथ आरक्षित कोटा है। इंद्र ने ध्यान लगा के कहा महाराज छठवान आपकी आयु जीवन दो मुहूर्त है, आयु से दो मुहूर्त, दो मुहूर्त कमाने होता है 24 मिनट का एक मुहूर्त माने 48 मिनट पौन घंटा। खटवांग को दिमाग ने कहा महाराज क्षमा करो आंखें बैठा दो, आपको इस महोत्सव से लेना देना नहीं, जब दो मुहूर्त हमारी आयु शेष है तो बना लेना अपना काम। उदारा छाती बैठाएगा उतर गया, सबको प्रणाम करके मिला लिया। खटवांग दूर शांत एकांत में बैठ गए, यही मरना शुरू करना है जो खटवांग कर रहे हैं। ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर क्या किया, भीतर भीतर से मन ही तो भीतर है, बुद्धि तो भीतर है, उधर ही मन की पकड़ को ढीला करो। मन सब से कहा मैं कोई राजा नहीं, मेरी कोई प्रजा नहीं, मैं कोई धनवान नहीं, मेरा कोई धन नहीं, मैं कोई पति नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, मैं कोई पिता नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, मैं कोई बाबा नहीं, मेरा कोई पोता नहीं, मैं राजा नहीं, मेरे माता पिता को मुकुट नहीं, मैं शरीर वाला भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूँ परमात्मा की। 40 मिनट रहे सबको नथिंग नथिंग, ये कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हम अलग आत्मा परमात्मा की है। ध्यान किया असह अभिमान जाई जय मिठोरे, मैं सेवा कर रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का, भगवान हमारे अपना है, आपकी तो सपना है। जो शंकर भगवान ने उमा पार्वती को कहा था, उमा कहो उमा कहो कछु अनुभव या बोला, कछु हरि भजन जगत सब सपोला, कछु हरि भजन जगत सब सपोला। खटवा ने सबसे अलग कर लिया अपने मन को, अपनी बुद्धि को, मन ही बुद्धि से हम पकड़े हैं, मन बुद्धि से पकड़े हैं। अगर मन कह दिया दो घंटा से हम बैठे कसल हमारे छोड़ा रोई थे तू है, हम जाए तू देख ले, मन न वहां पहुंच गया, तू तो बैठे ला मन मेरा रिक्शा कम करके पैदल पहुंच गया हुआ, झट दे चिंतन हो गया, पैसा क्यों चला गया, आ केवल ये मैं ताला लगा ऐसा नहीं, घर में कोई झाड़ लो घर रोक ले लो पेटी आज गहनो ना सुन लो स्वामी जी कहन वहां देखे लो गहन ऐसे बैठे बैठे ऐसे मन में दौड़ गया पूरा कहना बुद्धि वही छोरी और भी गहन वहां बड़े पीछे आ गई मजे को ले जल कितना जल्दी जाए मन सोच सका ऐसा प्रेम में जल्दी न उड़े। हाँ प्रेम प्रकाश जल्दी से भी ज्यादा मन भागता है लखन, तो इस तरह से मन पकड़े हुए है राजा खटवांग ने मन और बुद्धि को सबसे अलग कर दिया। 40 मिनट लगा, 40 मिनट में सब अलग कर दिया। जब दूध देवे रहता बर्तन में तो तेल वाला मत दिया, दूधो खराब हो गया, एकदम साफ करके सर्फ से साफ कर तब दूध लिया, खांटी सब हट गया, तब मन निर्मल हो गया, कोई गंदगी नहीं, अब दे रखो रखा जा 8 मिनट से था, अब शुद्ध मन में भगवान को किया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यहूँ बता देंगे भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा यही बता देंगे, ना बताएंगे तो फिर कहने का मतलब क्या रहेगा, भागवत सुनाए क्या किस काम का, जो किताब में नहीं मिले हिसाब में हम थोड़ा बता देंगे, वही बता देंगे आज आपको दूसरा विषय है। इस तरह खटवांग ने 40 मिनट से सबसे मन बुद्धि को अलग कर लिया और 8 मिनट से साफ उसके शांत मन में भगवान को बैठा दिया, क्योंकि शांत मन में भगवान बैठी जाते हैं। निर्मल मनो के मेरा माला माला जान सो मोहि पावा, हम ही का पाटा छाला छी जन भावा, हम ही का पाटा छाला छी जन भावा। निर्बल मन, मन साफ हो जाए, मन खटवांग का साफ हो गया, न मन में पुत्र संबंधी वासना थी, न राज्य की वासना थी, न भोग की वासना थी, सब अलग हो गया। ऐसा मन योगी का मन होता है, आज योगी एकमात्र चिंतन भगवान करता, दूसरे का नाम नहीं, योगी कोई वेश नहीं है, कोई आकृति नहीं है, योगी मन एकाग्र मन है, योगी का योग मन जोड़ देना, मन को जोड़ दिया भगवान से। कोई कोई ऐसा कर पाता है कि यही जगामिनी परमारथी प्रपंच वियोगे, परमारथी प्रपंच वियोगे।
जो भी खटवांग में परमार्थी संसार से अलग हट करके और भगवान के चरण को मन लगाया। ये तो निर्धारित समय 48 मिनट था, एक मौत का लगा झटका शरीर से निकल गया प्राण फटका, लेकिन मन चिंतन से क्या कर रहा था भगवान का, इसलिए भगवान को प्राप्त कर गए, भगवान मिल गए। इसे भगवान को खोजना नहीं है, केवल मन की गंदगी हटानी है। मन की गंदगी हट जाए तो भगवान तो है ही, मिले हुए हैं, खोजना नहीं, वो मिले हुए हैं। इसे संत कबीर कहते हैं, घुघुट के पट को मिले है, घुघुट के पट को ले तुझे क्यों मिले, घुघुट के पट को ले क्यों मिले है, घुघुट के पट को ले तुझे क्यों मिले। सुने मंदिर में दीप जला के, सुने मंदिर में दीप जला के, आसन से मत डोल रे तुहे पियू मिले, आसन से मत डोल रे तुझे पियू मिले, आसन से मत डोल रे तुहे पियू मिले। इन पंक्तियों में कितना जोक की बात बता दी गई है। सुने मंदिर में दीपा, सुने मैंने एकांत कही है, क्योंकि इंद्रिय आपको बाहर ले जाएगी। हनुमान जी के मंदिर में कोई बड़े प्रेम से गा रहा है, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस, उन लोग को यार खूब भजन कर रहा है, प्रेम मस्त है। एक बीच में कोई बालक की रुलाई, आ हमारे छोड़ा रोई थे आया भोगे भजन पुराओ के दा बोधी उठाओ छोड़ा दूर जाओ, कान ले गया उधर, शरीर यहाँ है लेकिन कान वहां दौड़ा के ले गया बच्चा के पास। हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगा बैठे थे, कहिए रे हनुमान जी के बार धन वीर बजरंग बली की ध्यान मत ले, लगा है बैगनी यहाँ ना करी की बकरिया कर देखा ना वही बकरी ने अखिया ले चल खुला लखिया जगह से बकरिया बकरिया खाई थी ना, अब बकरिया के ध्यान तो करना नहीं, आंख बाहर ले जाएगी कान सब ले जाते हैं, ध्यान आपका पूरा नहीं है, अधूरा भी नहीं है, एक मिनट दस भी नहीं, एक मिनट दस भी हो जाए तो इंद्रिया बस हो जाए, लेकिन वो भी नहीं है, अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है, गड़ा जाना, इसलिए मन को एकाग्र खटवा में एकाग्रता पूर्वक मन को शुरू कर दिया। दर्शन साथ कहता है कि मरते समय में जैसी मति वही गति, मति बुद्धि जैसी होगी मरते समय में वही गति हो जाएगी, इसलिए खटवा मत हो।